छुपे हैं के जी इंसान के पार Thank you.
के समय को चलना है।
फसल कर दे अपने हाथों को हिलाते हुए से बात करने जा रहे हैं। अपने कान अपने हृदय खोल लो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। ताली जोर के हाथों को उठा के यीशु के नाम में प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय पहला वचन निकालेंगे सब जन। अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन ना हो तुम कभी शैतान से लड़ नहीं सकते। हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब वचन होगा तब हम शैतान से क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। पड़ोसी को ये बोलो कि वचन तुम्हारे अंदर फल लेकर आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो वचन तुम्हारे अंदर फल लेकर आएगा। बोलो अपने पड़ोसियों को, बोलो दो लोगों को बोलो ये वचन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ये वचन तुम्हें ऊंचा उठाएगा, छुड़ाएगा। मैं इधर मत देखो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ये वचन तुम्हें छुड़ाएगा, ये वचन तुम्हें उठाएगा, ये वचन तुम्हें ब्लेस करेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, हम इसमें आनंदित हैं। तारीफ ऊंची हो चर्च। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, बोलो। परमेश्वर का वचन है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आप अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के सामने।
अगले 30 सेकंड प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे ऊंचा उठाए। परमेश्वर प्रार्थना करो, भरोसा रखना है, लोगों पर भरोसा नहीं रखना। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, जब हमारा भरोसा, जब हमारा ट्रस्ट खुदा पर होता है, हम कभी लज्जित, कभी हम लज्जित नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा। जब हमारा भरोसा खुदा पर है, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को वो स्थान देना चाहते हैं जो पहला है, उत्तम है, बेस्ट है, उससे पहले परमेश्वर पे भरोसा रखो। आप चाहे परेशानियों में हैं, चाहे चाहे घटी में हैं, चाहे कलेशों में हैं, परमेश्वर रखें, हर समय परमेश्वर पे भरोसा रखें। मनुष्य की चापलूसी करने से आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने कमरे में आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर आप आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको मजाक कभी नहीं बनने देगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मजाक बना है। बना कि नहीं बना? यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। जब जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद भी हम लोगों पर ध्यान है हमारा, लोगों की बातों पर ध्यान है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, ये बातें जब आपके माइंड में रहेगी, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे, जिन लोगों की सोच ये है, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो लोगों की तरफ देख रहे हैं। आपकी चिता के साथ आप नहीं चलेगा, कोई व्यक्ति आपकी कब्र में आपके साथ नहीं दफनाया जाएगा। फिर काई की चिंता, फिर क्यों लोगों से इतना भय खाना, क्यों लोगों को खुश करना, क्यों मनुष्य को खुश करना। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करूं, अगर मैं लोगों को प्रसन्न करूं, तो मैं मसीह का नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां पर खुदा को प्रसन्न करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को आप नाराज करो। मैं तो मेरे को पता लग गया मुझे परमेश्वर को खुश करना है, बाकी सब नाराज हो जाओ मेरे से, नहीं वो बात नहीं है। आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं कर सकते, जानबूझकर आप लोगों को दुख ना दें, जानबूझकर। लेकिन आपको एक चीज बताना चाह रहा है कि जानबूझकर आप परमेश्वर का स्थान लोगों को कभी मत दो, अनजाने में भी मत दो। यहां प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो। जब प्रभु इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग जाने वाले थे, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा को दे रहा हूं। तुम्हारे लिए मैं किसको दे रहा हूं? पवित्र आत्मा को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? होली स्पिरिट को दे रहा हूं। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी आंख से आंसू ना गिरे, अगर आप खुदा के बेटे बेटियों, खुदा पे विश्वास करते, खुदा के लिए रहो, खुदा में रहो, पवित्र आत्मा से भर के रहो, लेकिन आपके दुख आपको कभी ना रुला सके। जो लोग अपने दुखों के कारण रोते हैं, अपनी समस्याओं के कारण रोते हैं, वो लोग छोटे हैं, कमजोर हैं। इंसान धन से, पैसे से बड़ा छोटा कभी नहीं होता। और आप अरबों खरबों पति हैं, तो मैं कह रहा हूं आप बहुत
आप कमजोर हो, आप छोटे व्यक्ति हो, छोटा इंसान है तू। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, कंगाल हो आप, और फिर भी आप आनंदित हो और प्रभु पे भरोसा रखते हो, मैं कह रहा हूं आप रहीस हो, आप धनवान। आपका विश्वास है परमेश्वर के प्रति, आपकी अमीरी आपका परमेश्वर के प्रति ट्रस्ट है। लिखा है कि मैं न डिगूंगा, मैं न गिरूंगा, मैं अपने यहोवा पर विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा। आपकी समस्याएं आपको पुश कर रही है, आपको गिराना चाह रही है, आपको गिरा रही है, आप लड़खड़ा रहे हैं, आप बहक रहे हैं, आप गिर रहे हैं। Come on, rise up, rise up। परमेश्वर आपको स्टैंड करेगा। इस संसार में है तो समस्याएं देखनी पड़ेंगी, परेशान फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर खुदा का वचन आपके अंदर है, प्रभु ने साफ कह दिया तुम्हारा मन व्याकुल, तुम्हारा मन व्याकुल, अपने मन को काबू में रखो, ये मन ही आपको पाप की ओर ले जाएगा, ये मन ही आपको बुराई की ओर ले जाएगा। बाइबल ने कहा कि मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तुझे क्या कर दूंगा, ज्यों का त्यों, मैंने जैसा तुझे बनाया था मैं तुझे वैसा कर दूंगा। मौतरी बीमारी के पेट से अपने अंदर नहीं लेकर आते, मौतरी बीमारियां आपको संसार में होकर होती है, आप संसार में आते हो तब आपको आती है। और परमेश्वर कहता है मैंने जैसा तुझे बनाया था मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा, एज इट इज सेम, जैसा मैंने तुझे बनाया है तू मेरी ओर देख, तू मेरी ओर देख, तू लोगों पर कभी भरोसा, लोग तुम्हारे बना सकते। अगर परमेश्वर आज इस देश के प्राइम मिनिस्टर को बोल देना आपके लिए, पुराने स्टेट में मेरा एक व्यक्ति है उस पे अनुग्रह तेरे द्वारा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए काम कर सकता है। इतनी ताकत यहोवा के हाथ में है, कोई अप्रोच आपको आगे नहीं ले जा सकती, केवल यहोवा की अप्रोच। आज मैं इस स्थान तक अगर सेवा में यहां पहुंचा हूं किसी की अप्रोच के द्वारा नहीं, किसी पास्टर की अप्रोच के द्वारा नहीं, किसी विश्वासी की अप्रोच के द्वारा नहीं, किसी इंसान की अप्रोच के द्वारा नहीं, अपने परमेश्वर पर भरोसा करके उसके अनुग्रह के द्वारा यहां पहुंचा। ग्रेस, परमेश्वर की हमें लेकर आती है, परमेश्वर की ग्रेस हमारे लेवल्स को ऊंचा करती है, परमेश्वर की ग्रेस हमें ऊंचा करती है, परमेश्वर की ग्रेस हमें ऊपर उठाती है। ये माइंड से निकाल दो आप कि लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जब तुम्हारे अंदर ये बात है ना कि लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे, मैं कह रहा हूं आप दिन प्रतिदिन डाउन हो जाओगे, क्योंकि आपका भरोसा किस पर आ गया, मनुष्य पर आ गया, खुदा पर नहीं। खुदा भरोसा रखोगे तो आप कभी अपनी लाइफ में डाउनफॉल को नहीं देखेंगे, और इवन आया भी तब भी अपने आप को आप तंदुरुस्त पाओगे, ब्लेस पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कभी कभी लोगों पर भरोसा मत करो, कभी लोगों की ओर मत देखो, मनुष्य की ओर ना देखो, परमेश्वर ही लोगों को तैयार करता है, परमेश्वर ही आपके लिए फेवर को खोलता है, परमेश्वर ही आपके लिए ग्रेस को खोलता है, परमेश्वर ही फलाने फलाने जगहों पर लोगों को खड़ा कर देगा आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि मैं तुझे अपना और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह दूंगा। आप अपनी लाइफ में उसके अनुग्रह को देखना चाहते हैं, हाथों को उठा के मुझे बताओ, देखना चाहते हो, हाथ नीचे करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉयल हो जाओ परमेश्वर के, विश्वास योग्य हो जाओ,
उसके वचन के लिए अपने आप को शून्य बना दो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन। आपको ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी रखो। जब आप अपने अगुओं पर भरोसा रखते हैं, अपने अगुओं की बातों को मानते हैं, लॉयल्टी के साथ मानते हैं, सच्चाई के साथ मानते हैं, बिल्कुल इस बात को समझ के मानते हैं कि हाँ उनकी डांट आपको नहीं पता, हो सकता आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले विश्वास के जीवन के लिए एक मील का पत्थर बने, आपके आने वाले समय के लिए एक ऐसी ब्लेसिंग बन जाए। आपने देखा ना, कई बार लोगों की बातें आपको बड़ी ध्यान रहती है, कई बार आपको फिल्मों के डायलॉग बड़े ध्यान रहते हैं कि इस फिल्म में ये डायलॉग था, और आप कभी बात करते करते उस डायलॉग को रिपीट करते हैं। आपको कभी कोई नाटक की कोई लाइन याद रहती है, कई लोगों की मुहावरे आपको याद रहते हैं, कई लोगों की बातें आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिट में आपने उन चीजों को अलाउ किया, अपने माइंड में आपने उन चीजों को अलाउ करा। आपको कुछ गाने याद रहते हैं, इवन प्रभु में आने के बाद भी आपको कोई फिल्मी गाना, बड़ा आपका प्यारे वाला फिल्मी गाना आपको याद रहता है, और उसे आप कभी कभी गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्पिरिट पर आपने कहीं ना कहीं उस बात को, उस पर्टिकुलर वर्ड को जगा दिया। और बाइबल क्या बताती है कि तुम्हारे चित्त में, यानी कि तुम्हारी स्पिरिट में, तुम्हारे मन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। बाइबल को सिर पर भी रखकर अगर नाच लोगे तो भी आपको बाइबल समझ नहीं आएगी। बाइबल को आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर सुनना पड़ेगा और उस पर चित्त लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये वचन आपके अंदर जाएगा, जैसे जैसे ये वचन आपके अंदर उतरेगा, जैसे जैसे ये वचन आपके अंदर भरेगा, वैसे वैसे आप बलवान होते जाओगे, दृढ़ होते जाओगे। आप डाउट करना छोड़ दो, शक करना छोड़ दो खुदा पर। उसने कहा कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। जिन लोगों को परमेश्वर आपके लिए भेजता है, उन लोगों पर भरोसा रखो, उन लोगों पर विश्वास करो। जब उन लोगों पर आप विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पहले कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं वहां तुम वहां का मार्ग जानते हो। तुमने उसे पूछा है, प्रभु हम नहीं जानते, तू बता कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उसे कहा, सुन फिर, मार्ग सत्य है और जीवन मैं है। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। बोलो अपने मार्ग से भटकूंगी प्रभु, मार्ग से भटकूंगी।
ले चले जा, मुझे उस मार्ग पर ले चले, मुझे उस प्लेटफॉर्म पर चलाए। मेरी गाड़ी उन पटरियों पर दौड़े जो पटरियां तूने बनाई है। हर एक बंधन, हर एक मोड़ तू जानता है, इवन उस मोड़ को भी जानता है जो ब्लाइंड कर रहा है परमेश्वर। मुझे नहीं पता परमेश्वर सामने से क्या आने वाला है, ओ परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। प्रति हो गया परमेश्वर। देखो, हेलो, परमेश्वर रास्ता है, तो बोलो परमेश्वर रास्ता है। आपको, आप अपनी लाइफ में ब्लेस तब होते हैं, आशीषित तब होते हैं, शैतान को तब हरा पाते हैं जब आप उस रास्ते पर चलते हैं। कमान, आप जब उस रास्ते पर चलते हैं जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, आपको पता है उस रास्ते से शैतान बहुत डरता है जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है। तो मालूम है कि नहीं कि शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता? हाँ के ना? ओ, तुम्हारा हाँ भी बहुत छोटा। हाँ के ना? सुनो, फिर देखो, जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, यानी कि वो रास्ता परमेश्वर की ओर से है, वो शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग के बाहर खड़ा हो सकता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता। अय्यूब की किताब हम याद करते हैं, अय्यूब की किताब में हम देखते हैं, बेटा हट जाए, जल्दी से आगे से हट जाए, जरूरी काम वाले बस। अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब के अंदर देखते हैं शैतान परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर शैतान को कहता है, तू कहां घूम रहा है? सारी पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ मैं तेरे पास आया हूं, परमेश्वर के पास। परमेश्वर स्वर्ग में भी आजमान है, शैतान पापी है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो फिर कहां वार्तालाप हो रही है, कहां बात हो रही है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने किसको उड़ा हुआ है, परमेश्वर ने क्या उड़ा हुआ है, आपको मालूम है? बोलो बोलो, परमेश्वर ने अंधकार को उड़ा हुआ है। ये बातें पल्ले नहीं पड़ती बिना पवित्र आत्मा के, नहीं पड़ेगी। किसको उड़ा हुआ है? अंधेरे को उड़ा हुआ है, अंधकार को परमेश्वर ने उड़ा हुआ है। यानी कि परमेश्वर वो उजाला है, वो रोशनी है जो आपके अंधकार को नाश कर सकती है। वो परमेश्वर को हम देखेंगे, अगर आप देखोगे, अगर आप यहां अभी क्या दिन के कितना भी टाइम हुआ है, अभी रोशनी है। अगर आप इस दुनिया, अगर आप एक रॉकेट के अंदर बैठ जाओ और आप ऊपर जाओ 1000 मीटर, 2000 मीटर, एक प्लेन, अगर आप कभी प्लेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, तो हवाई जहाज नॉर्मली 30,000 फीट से ऊपर ऊपर उड़ता है। कितना फीट? 30,000। कमान, ये टेंट 20 फुट पे होगा, 15 फुट पे होगा, 18 फुट पे होगा। 20,000 फीट के ऊपर एक प्लेन उड़ता है जो इंसान ने बनाया है, और उसमें बैठने के बाद भी वो 36,000 फीट तक जब जाता है, उसके बाद भी अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा
कि अभी आकाश बहुत ऊपर है, ये खुदा का काम है, उसका हाथ से कैसे परमेश्वर ने बनाया। सुनो, और रॉकेट में अगर बैठो जिसमें साइंटिस्ट ऊपर स्पेस में चले जाते हैं, चंद्रमा पे चले जाते हैं, मार्स पे चले जाते हैं, तो आप यूनिवर्स कभी आप गूगल में आप देखो, इंटरनेट पे देखो, तो ऊपर स्पेस में ना अंधेरा है। स्पेस में क्या है? स्पेस को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या है? अंधेरा है, डार्कनेस है। अब सैकड़ों हजारों लाखों किलोमीटर जब ऊपर पहुंच जाएंगे, आप तो नहीं जा रहे, एक ही बार जाओगे जब खुदा के पास जाओगे, लेकिन जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जब वो स्पेस के अंदर रॉकेट लेके जाते हैं, आप अंतरिक्ष के अंदर आज इतना कुछ आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, कि अंतरिक्ष के अंदर आप देखोगे तो वहां पर क्या है? अंधेरा है। पूरा अंतरिक्ष लाखों करोड़ों किलोमीटर तक अंधकार है, डार्कनेस है, अंधकार है, डार्कनेस है। सोच के भी डर लगे इंसान को। ये छोटी सी पृथ्वी सूर्य के सामने ऐसी है जैसे सूर्य एक फुटबॉल और पृथ्वी एक नींबू। उस नींबू जितनी पृथ्वी पर, आपका साइज कितना है, मेरा साइज कितना है, अब आप सोच के देखो। और हम घमंड से भर के कह रहे हैं हम कुछ है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा, किसी की सिफारिश की मुझे जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने खून बहाया, वो मेरी सिफारिश कर रहा है, वो मेरी अप्रोच कर रहा है। जो रियल में जो परमेश्वर के खरे बेटे बेटियां या दास दासियां हैं, वो सिफारिशें कभी नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते। यहाँ पर MLA, CM, DC, SP, कितने लोग यहाँ पर आए मेयर तक, कभी किसी को मैंने सुई के नक के जितना काम नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कारण क्या है? वो यहाँ पर अगर आए तो वो इसलिए है कि वो खुदा के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, that's it। क्योंकि उनके लिए वैसे आना मुश्किल है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है। आगे जब अंतरिक्ष में हम जाएंगे, वो स्पेस के अंदर जाएंगे, वो रॉकेट जब ऊपर पहुंचता है, चारों तरफ अंधकार है। सौर मंडल को देखते हैं, बीच में सूर्य, चारों तरफ नक्षत्र ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। दूर तक लाखों करोड़ों किलोमीटर तक वैज्ञानिक दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, अंधेरा है। उन्हें स्पेशल लेंस लगा के उन नक्षत्रों को देखना पड़ता है, और बाकी चारों तरफ अंधेरा है। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा ने अंधेरे को ओढ़ा हुआ है। सुनो ध्यान से, इतना सारा अंधेरा है, कोई हाथ हिला के बोले इतना सारा अंधेरा है। अभी हमें आप मेरी बात को समझ पाएंगे, आप मेरे साथ डीपली इस गहराई में चलो। चारों तरफ अंधेरा है, और बाइबल का एक वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ने अंधेरे को ओढ़ा हुआ है, यानी कि वो अंधकार जो अंतरिक्ष में है, वो एक चादर है, और उस चादर को किसी ने ओढ़ा हुआ है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप सोच के देखो कि परमेश्वर का साइज क्या है। अब आप सोच के देखो कि परमेश्वर कितना बड़ा है, यानी कि जो आकाश को, पूरे आकाश को, आसमान को, अंतरिक्ष को बनाने वाला परमेश्वर। कभी अपने आप को यह मत समझो कि आपको किसी मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, मनुष्य परमेश्वर आपके लिए भेजेगा, डिवाइन कनेक्शन परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर, अगर परमेश्वर मेरे द्वारा आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी कोई पर्टिकुलर आशीष,
अगर मेरी प्रार्थनाओं में बनी हुई है और मेरी प्रार्थनाओं से खुलनी है तो इसका मतलब वो मेरी प्रार्थनाओं से ही खुलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके लिए तैयार किया और तथा कुछ लोगों को मेरे लिए तैयार किया। आज वो समय है चर्च आपके मन में व्याकुल ना हो, आज आपके वो समय आ चुका है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी बीमारियां हैं, आप दो मिनट के अंदर कहते नहीं मेरा परमेश्वर मुझे ठीक नहीं कर रहा, नहीं मेरा परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा, नहीं मुझे ये चीज नहीं मिल रही, नहीं मुझे वो चीज नहीं मिल रही। अपने अंदर झांके, आपके अंदर का अंधकार, बाइबल में यह भी लिखा कि परमेश्वर के अंदर अंधकार है, उसके चारों तरफ अंधकार, लेकिन परमेश्वर ने आपको तो उजाले से भर दिया, आपके अंदर तो परमेश्वर ने ज्योति जलाई है, आपको तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया है, आप अंधकार में नहीं रह सकते। अभी भी आप फिल्मों में, अभी भी आप बुराइयों में, अभी भी आप लुटपट में, अभी भी आप उन बातों में आप नहीं रह सकते। अगर उन बातों में है तो वो चीजें कभी नहीं मिलेंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको खोलेगा, परमेश्वर आपको ओपन करेगा, लेकिन आप अपने आप को शून्य बनाओ। आप अपने आप को बरकत तब दे सकते हो, अपने अंदर ब्लेसिंग्स को तब खोल सकते हो जब आप परमेश्वर के लिए सही हो, सच्चे हो, परमेश्वर के वचन पर खराई से चल रहे हो। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, अपने हाथों को उठा के चलने लग जाते हैं, आपको वो सब चीजें अच्छी लगती हैं जो परमेश्वर की ओर से होती है, चाहे उसका कलाम
चाहे उसके लोग, चाहे उसकी वर्षिप, चाहे उसकी आराधना। परमेश्वर के बेटे बेटियों, भाई तो बताती है कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया, चुना थोड़े लोगों को है। आज आपके चुनाव का समय है, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, वो चीजें अपनी लाइफ से दूर करें, वो बातें अपने जीवन से दूर करें जो आपको रोकती है उसके रास्ते पर चलने से। वो मार्ग है, सच कहा उसने, वो मार्ग है। मेरी प्रेयर है आज परमेश्वर मैं तेरे मार्गों पर चलो परमेश्वर, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर तू ही मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है परमेश्वर। उठाकर बोले आमीन। उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। अभी जो यहां पर इस समय हो रहा था, आप डिवाइन पावर से भरे हुए थे, डिवाइन में आपको पता है कि आपके अंदर जो टूट फूट हुई थी अभी पिछले कुछ मिनटों पहले, परमेश्वर ने उस टूट फूट को रेनोवेट किया, रिपेयर किया, ठीक किया। स्पिरिचुअल टूट फूट भी होती है, ये शैतान के साथ कुश्ती जब हम करते हैं, शैतान के साथ जब हम लड़ते हैं, कई बार हमारी स्पिरिचुअल टूट फूट हो जाती है और उसे परमेश्वर रिपेयर करता है। आप प्रभु ने वचन बताते वो मार्ग है, आपको उस मार्ग पे चलना है जो परमेश्वर की ओर से है। शैतान उस रास्ते पे नहीं चल सकता जो रास्ता परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए वो आपको रोकता है उस रास्ते पर चलने से। वो खुद नहीं चलेगा कभी, आपको रोकेगा। जो लोग आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलने से रोकते हैं, जो लोग आपको परमेश्वर के काम को करने से रोकते हैं, समझो कि उन लोगों के अंदर कौन काम कर रहा है। वो रोक रहे हैं आपको, खुद नहीं चलेंगे और आपको क्या करेंगे, रोकेंगे। चर्च आने से आपको रोकेंगे। अक्सर आपको चर्च आने से कौन लोग रोकते हैं, सोच के बताओ, कौन रोकते हैं? वो लोग रोकते हैं जो खुद चर्च नहीं आते। हाँ क्या राइट है? वही लोग रोकेंगे जो खुद चर्च नहीं आते, ऐसी बात है नहीं भाई? क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकता। चर्च आना प्रभु के रास्ते पर चलना है। आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते हैं और वो आपको कहेंगे कि आज छोड़ दे, अगला संडे छोड़ दे, एक संडे छोड़ दे, मेरा बर्थडे है, मेरी शादी है, मेरा ये काम है, मेरे लिए छोड़ दे। वो घर का बंदा भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। शैतान उस रास्ते पर नहीं चल सकता जो रास्ता परमेश्वर की ओर से। अपने पड़ोसी को ये बात बोलो एक बार, आपने सही से बोला कि शैतान उस रास्ते पर नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करेगा? जो लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं उन लोगों को क्या करेगा? रोकेगा। अगर कल को आपको कोई ये कहता है कि चर्च मत जाओ, फिर आप मेरे इस प्रचार को याद करना कि मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये तो वही हो रहा मेरे साथ जो प्रचार में बताया गया था। अगर कोई आपको प्रार्थना करने से रोकता है, शैतान प्रार्थना नहीं कर सकता। वो आपको प्रार्थना करने से क्या करेगा? आपको ऐसे लोग मिले कि नहीं जो प्रार्थना करने से रोकते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वो उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता जो रास्ता परमेश्वर की ओर से है और जो आपके लिए है।
आपका रास्ता अगर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर शैतान नहीं चल सकता, लेकिन आपको रोकेगा। आपको चाहिए कि आप शैतान को रोको, कि आपको ना रोक पाए यीशु मसीह के नाम से। वो आपको ना रोक पाए, आपको ना रोक पाए, नहीं रुकना आपको। शैतान उस रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर का वचन है, वो रास्ता परमेश्वर का मसा है, उस रास्ते पर अभिषेक है। अभिषेक से शैतान डरता है, मसे से शैतान डरता है, वचन से शैतान डरता है। बाइबल में लिखा अभिषेक के द्वारा जुए क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जुए क्या हो जाएंगे, बंधन जो है, जो लोग आज पहली बार आए हैं परमेश्वर का मसा उनके बड़े जुओं को तोड़ता है। शुरू से लोग यहाँ पर विश्वास के साथ बैठे हैं, तोड़ता है, महो प्रभु के नाम में जुआ टूटेगा। उस रास्ते पर शैतान नहीं चल सकता। अगर ये रास्ता परमेश्वर की ओर से है, इस रास्ते पर शैतान नहीं चलेगा। कई लोग रास्ता क्या होता है, ब्लाइंड कर्व बोलते हैं उसे, यानी कि आप यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। अगर पहाड़ियों में कभी आप जाएंगे और आपको ऐसे जाना है, आपको नहीं पता यहां से क्या आ रहा है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड कर्व। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप हर ब्लाइंड कर्व के बारे में जानेंगे। आप यहां है, घूम के उधर जा रहा है, लेकिन आपको पता है मेरा परमेश्वर मुझसे पहले उस ब्लाइंड कर्व पे खड़ा है। कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता मुझे। यहां से गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मान लो आप इस स्कूटर पे, बाइक पे, कार पे, साइकिल पे यहां हो और आपको घूम के यहां जाना है। एक ही रास्ता है, ब्लाइंड कर्व है। आप ऐसे घूम रहे, आप डर के जा रहे हैं, कोई आदमी रहा, कोई आदमी रहा, टेढ़े होकर देख रहे। लेकिन जब खुदा में आप विश्वास करते हैं, आप यहां से चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे भी जीसस है, मेरे ब्लाइंड कर्व पे भी जीसस है, मेरी फिनिश लाइन पे भी मेरा प्रभु मेरा वेट कर रहा है। यीशु मसीह के नाम हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पे भरोसा रखो, खुदा पे भरोसा रखो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज मेरी प्रार्थना है, आप ऐसे रास्ते पर चलो जो परमेश्वर की ओर से। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के साथ। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो। अभिषेक भरे अपने स्थान पर खड़े होकर लो, अपने हाथों पर उठा के अपने रास्ते परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। गलत रास्ते छोड़ दो, सही रास्ता पकड़ो। गलत रास्ते, गलत प्रचार, गलत बातें, गलत काम छोड़ दो। यीशु को थामो, ओ जीसस,
Thank you.
अपने हाथ को उठाके का आत्मा जो इस समय है जो अभिषेक